कमांडो की सेकंड इंस्टॉलमेंट आ चुकी है और साथ में दर्शन हुए विद्युत जामवाल के। वो प्ले कर रहे हैं वो मर्द जिसे दर्द नहीं होता। इरादा बड़ा नेक है, काला धन देश से बाहर देश में लाना है। गरीब किसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए तो पहुँचने चाहिए। आइडली फिल्म का स्पॉन्सर अमूल माचो को होना चाहिए था। बड़े आराम से सारा काला धन देश में आ जाता है। इन शॉर्ट कहानी लॉल्स। चिजल बॉडी, इलेक्ट्रिफाइंग स्टंट्स, विद्युत जामवाल तो फुल पैसा वसूल है, पर क्या आप पिक्चर के बारे में ऐसा कह सकते हैं ना? हमारे पूरे काले धन के जिम्मेदार बस एक शख्स, सतीश कौशिक, जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील क्रैक कर रहे हैं फेस टाइम पर। और वो जो ये सारा काला धन फॉरेन अकाउंट्स में डाल रहे हैं, वो भी एक ही बंदा, एक ही चड्ढा। ईशा गुप्ता, अदा शर्मा और फ्रेनी दारूवाला को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें मैगजीन शूट से किडनैप करके लाया है और गन पॉइंट पे एक्टिंग करा रहा है। नॉट दैट इसका कोई फायदा हुआ, क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट उतने ही कंट्राइव कि हमें समझ ही ना आए कि हम इन फोनी एक्टर्स से नफरत करें या शॉडी स्क्रीन प्ले से। आदिल हुसैन और शेफाली शाह जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और बस इन्हीं के खातिर हम भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसी भी फिल्म करी। कुछ फिल्मों का बेस्ट एस्पेक्ट होता है उसकी लेंथ, और ये तो बस 2 घंटे की है। देखना चाहो तो देख लो, पर याद रखना, काला धन वापस आए या ना आए, पिक्चर के पैसे रिफंड नहीं होते। सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि मैं इसे दे रही हूँ बस 1.5 क्विंस आउट ऑफ 5, और वो भी मेरे विद्युत जामवाल के लिए।